नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्टली। दोस्तों आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है ये मिनी पॉकेट टॉर्च। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है या कैंपिंग का शौक है तो ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसकी जो रेंज है और इसकी जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। और यही नहीं दोस्तों, इसमें साइड में यहाँ पे ये कॉब लाइट दी हुई है जिससे कि आप इसको एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको यूज़ करके देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं, देखते हैं कि इसकी लाइट कितनी है और ये क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, और क्या ये प्रॉपर ट्रैवलिंग गैजेट हो सकता है कि नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में। ये बॉक्स मिनी पॉकेट टॉर्च का, और इसका बॉक्स देखे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका बॉक्स ग्रीन कलर में है, जैसे मिलिट्री वालों के बॉक्सेस होते हैं उस तरीके के इन्होंने इसमें बॉक्स दिया हुआ है। काफ़ी छोटा है ये भी, अच्छा लग रहा है। और इसमें सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे USB चार्ज लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे मेड इन चाइना बताया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कॉब लाइट है और इस पे एनर्जी सेविंग है और वाटर प्रूफ है और एक्सप्लोजन प्रूफ भी है। अभी एक्सप्लोजन प्रूफ तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट फिर भी इसमें दिया हुआ है। और इसका जो ये बॉक्स है ये प्लास्टिक मटेरियल में है। और अब इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ हमें चार चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है ये बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और अंदर यहाँ पे इसके फोम दिए हुए हैं जिससे कि ये जो टॉर्च है हमारी ये प्रोटेक्टेड रहे, कहीं अगर ये गिरे हिले या कुछ भी हो तो ये डैमेज ना हो। इस तरीके से यहाँ पे इसने फोम दे रखे हैं दो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ताकि ये डैमेज ना हो। और दूसरी जो चीज़ है वो है ये माइक्रो USB केबल, और एज़ यूजुअल ये काफ़ी छोटी है। आप इससे ही इस टॉर्च को चार्ज करेंगे। ये देखिए ये माइक्रो USB केबल है। और तीसरी जो चीज़ है वो है ये हैंगिंग रोप, इसको आप इसमें लगा के और कहीं भी हैंग कर सकते हैं, या अपने हाथ में भी इस तरीके से डाल के और हैंग कर सकते हैं। और चौथी जो मेन चीज़ है वो है ये मिनी पॉकेट टॉर्च। और बताऊँ दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है। ये लगभग लगभग 3.5 इंच की है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा, और काफ़ी छोटी है। आप देख सकते हैं आराम से पॉकेट में आ जाएगी, कहीं भी आप लेके इसको जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो इसमें मटेरियल यूज्ड है वो एल्यूमिनियम अलॉय है, वो भी मिलिट्री बेस्ड इसमें बताया गया है, बट मुझे नहीं लगता कि ये एक्सप्लोजन प्रूफ होगी। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे ये ऊपर मुझे प्लास्टिक दिख रहा है हल्का सा, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक भी यूज़ किया हुआ है। और सामने की तरफ अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो है ऊपर ये लेंस दिया हुआ है, जब आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो आप इसका जो लाइट है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो उसका इसमें ये लेंस दिया हुआ है। और सामने की तरफ ये LED लाइट इसमें दी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको इस तरीके से आगे करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट आप इसमें कर पाएंगे। और ये जो चीज़ है ये दोस्तों बहुत ही इसमें बढ़िया चीज़ दी हुई है, ये कॉब लाइट है, चिप बेस्ड लाइट होती है। इसके थ्रू आप इसको एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से रख के, और आप इसको एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी इसको यूज़ करके देखेंगे। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये चार्जिंग पोर्ट जिससे कि आप इसको चार्ज करेंगे। इसको जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट जलना यहाँ पे बंद हो जाएगी। और यहाँ आपको देखने को मिलता है ये ऑन ऑफ बटन जिससे कि इसकी सारी वर्किंग होगी। इसको जब आप एक बार इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, और दोबारा जब इसको प्रेस करेंगे तो ये इसमें मोड चेंज हो जाएगा और फ्लैश लाइट चलने लगेगी। और थर्ड टाइम जब आप उसको क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये जो लैंप वाली लाइट है कॉब लाइट ये ऑन हो जाएगी, और चौथी बार में ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। इसको आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी, और ये आपको 5 घंटे का रन टाइम देगी कंटिन्यूस अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। और मुझे नहीं लगता है कि ये वाटर प्रूफ है, उसका रीज़न ये है कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका ये बाहर निकल आता है, इसी के अंदर बैटरी पड़ी हुई है। आप इजली इससे बैटरी भी चेंज कर सकते हो, बट क्योंकि ये बाहर निकल आता है तो आराम से इसमें पानी भी चला जाएगा। इसमें ज़्यादा ऐसी कोई वैक्यूम पैकिंग नहीं है इसकी कि इसमें पानी ना जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाटर प्रूफ है। हाँ, ये हल्का सा अगर इस तरफ ऊपर या साइड में यहाँ पानी पड़ जाए तो भले ही हो सकता है ये चले, लेकिन अगर नीचे यहाँ इस पर पानी पड़ गया तो मेरे हिसाब से ये ख़राब हो जाएगी। और अब अंधेरे में इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है और इसमें रोशनी कैसी है और कितनी इसकी रेंज है। मैंने अंधेरा कर दिया है और अब इसको ऑन करते हैं। जब इसको ऑन करेंगे हम तो आप देख सकते हैं कि सामने की वॉल पे पूरा ये विजिबल है, इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है, पूरे हॉल में लगभग यहाँ पे रोशनी हो गई है, तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। और इसको इस तरीके से अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखिए ये जूम आउट हो गया और ये तरीके से जूम इन हो गया, तो जिस भी तरीके से आपको यूज़ करना है आप इजिली इसको
यूज़ कर सकते हैं और इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। और इसको अगर दूसरी बार इसके ऑन ऑफ बटन को क्लिक करें तो ये देखिए ये लाइट जो है वो फ्लैश आ जाती है, और जब थर्ड टाइम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी सामने की लाइट बंद हो जाएगी और ये जो साइड में इसकी लाइट थी जिसको कि आप एज अ लैम्प यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी लाइट है, ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा और काफ़ी रोशनी है इसमें। आप आराम से, मुझे तो लगता है इसमें आप पढ़ भी सकते हैं टेबल पर रख के, तो अच्छी खासी रोशनी है इसमें। और अब इसकी रेंज देखते हैं कितनी दूरी तक ये चलेगी, ये देखते हैं। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी अच्छी रोशनी है इसकी, कितनी दूर तक जा रही है, और साइड में जो गमले हैं वो भी सब विजिबल हैं, सामने भी सब विजिबल हैं। उसका फोकस चेंज करें तो जहाँ जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा सब कुछ विजिबल है, सामने ये गमले दिख रहे हैं, ऊपर मशीन दिख रही है, इधर ग्रिल दिख रही है, इधर देखें तो ये भी क्लियर विजिबल है, और ये गमले ग्रिल सब कुछ ईजिली दिख रहा है, सब अच्छी तरीके से दिख रहा है। दोस्तों मैंने इसको यूज़ करके देखा, जब मैंने इसको रूम में चलाया तो इसकी जो रोशनी थी वो पूरी 10 फीट की जो वॉल है उसमें पूरे में आ रही थी, तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी थी। और जब मैंने इसको छत पे यूज़ किया तो छत पे अलग ही हल्की हल्की रोशनी थी, बट फिर भी इससे काफ़ी कुछ विजिबल था। मैं लगभग लगभग 40 से 45 मीटर की दूरी पर था और जब मैंने इसको ऑन किया तो मुझे सब कुछ विजिबल था। और जब हमने इसको फोकस चेंज भी किया, इसका जो जूम इन जूम आउट करके हमने इसको देखा, तो आपने देखा होगा कि दूरी पे जो प्लांट्स पड़े थे वो क्लियरली विजिबल थे, ऊपर एक नेट की मशीन लगी हुई थी वो विजिबल थी, तो इससे सामने की ग्रिल जो है वो भी काफ़ी विजिबल थी। तो इससे काफ़ी दूर तक आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि 45 से 50 मीटर तक तो मैंने इसको चेक किया, आराम से विजिबिलिटी है और प्रॉपर ये विजिबल है लाइट, इसकी काफ़ी अच्छी लाइट है। और इसी तरीके से मैंने इसकी लैंप लाइट को भी यूज़ करके देखा, इसमें भी काफ़ी अच्छी लाइट है। आप इसको जला के एज अ लैम्प यूज़ कर सकते हो रात में, अगर पूरी कमरे में लाइट नहीं है और आपने जब इसको ऑन किया हुआ है तो अच्छी खासी इसकी रोशनी होगी। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ट्रैवलिंग के लिए, खास करके बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एक तो कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, कहीं भी आ जाएगा, और अंधेरे में आपके ये बहुत काम आ सकता है। और बात करें इसके प्राइस की तो अमेज़ॉन पे ये आपको 199 में मिल जाएगा। और आपको परचेस करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।